एंड यहां पे बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन मैं कुमार मंगत साहब से सीधे पूछना चाहूंगा सर लास्ट टाइम यू नो जिस वक्त खुदा हाफिज़ पार्ट वन आई थी उस समय बड़े सारे लोग थे एंड दे वर स्कैर्ड द वर्ड इज स्कैर्ड उनको था पता नहीं ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करनी चाहिए अपनी फिल्म या नहीं यू बिलीव्ड इन द कंटेंट यू रिलीज्ड इट एंड यू गॉट ऑल द लव व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर हम लोगों की पूरी टीम की इच्छा थी कि हम फिल्म थिएटर में करें लेकिन जो हालात थे कोरोना के जी पूरी दुनिया जिसमें जूझ रही थी तो हम सब ने पूरी टीम ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये फिल्म पब्लिक आनी चाहिए राइट तो उसके लिए हमने इसको ओ टी पे रिलीज किया जी और खुदा हबी जब टू बनाई हमने एवी कोविड में बहुत मुश्किलों से हमने लखनऊ में दो महीने की शूट की है हम लोग जिप्ट गए हैं वहाँ पे जाते हमारे मेन टेक्नीशियन हमारे कुछ कैमरामैन और कुछ खास लोग को कोरोना हो गया उसके बाद भी हमारी पूरी टीम ने किस तरह से फिल्म कंप्लीट की है ये वही लोग जानते हैं जी तो उसके बाद हमको काफ़ी चैनल्स का ये आया बुलावा कि आप डायरेक्ट ओ कर दो ओटीटी पे कर दो क्योंकि पहले वाली का जो रिस्पांस था दैट इज एक्सट्रॉनरी और मुझे लग रहा है कि बहुत कम फिल्म होंगी जो इस तरह के लोगों ने देखी होंगी तो लेकिन हम लोगों ने डिसीजन लिया विद्युत फारूक हम सब ने मिल कि ये फिल्म हम लोग थिएटर पर लगाएंगे जी। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन के राइट है विद्युत की कंपनी और हम लोगों ने मिलके जी से बाई बैक किए और हम पिक्चर ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं और उसके बाद आठ हफ्ते बाद पिक्चर अमेजिंग सर जुलाई इज वेन वील सी दिस मूवी उस बड़े पर्दे पे सबका इंतजार खत्म होगा सर दिस वंस फॉर यू प्लीज मुझे बताएं जैसा मैंने कहा सिनर्जी जो है एक नई एनर्जी लेके आया है आई लव दैट वेरी नाइस वन हाउ हाउ वाज वाज इट इट एसोसिएटिंग विद विद पैनोरामा जी a uh, very very proud moment for us to kind of associate with a franchise that is already a, a very successful film right. uh, i know kumar ji for the last uh, 18 years mm -hmm. and uh, it was really really a proud moment for us to uh, tie up with kumar with z studios vidyut and shivalika have really set the trend for us uh, farooq kabir has excelled in the first part so

ऐसे कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं सो यू यू ऑलवेज नो अ पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट जो कि काफी हटके रहे हैं सो इट इट कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे ऐसी ही फिल्म बनानी है या इसी सब्जेक्ट पे बनानी है या इट जस्ट हैपन एंड यू आर लाइक यू नो हैपी बींग पार्ट ऑफ ऑल दिस नहीं बेसिकली uh, खुदा चैप्टर वन बी और टू बी बचपन की मेरी सबसे uh, पसंदीदा कहानी पे आधारित है uh, जिसको हम रोज सुबह बैठ के टीवी पर दूरदर्शन पे देखते थे वो थी रामायण सो oh. so, एक तरह से अगर आप खुदा हाफिज देखें तो मेटाफोरिकली इट इज अबाउट अ अ हस्बैंड गोइंग टू टू फॉरेन लैंड सेव हिज वाइफ और इसलिए इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है तो इस बार होगी दोनों की अग्नि परीक्षा ये ये सोच के ये फिल्म लिखी गई थी जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट नट में अगर कहें right. तो एंड द स्टोरी इज जस्ट इट्स बिन रिटर्न ऑनेस्टली फॉर

दिस अमेजिंग अमेजिंग वन सो वॉट यू हैव टू से यहाँ पे अब बच्चा भी है और भी जिम्मेदारियां लास्ट टाइम बोलना चाहूंगा जो केमिस्ट्री थी आपकी और समीर की उसकी बड़ी सारी बातें हुई हैं अभी क्या होने वाला है हाउ वॉज द जर्नी फॉर यू द जर्नी ऑनिस्टली वेरी फुलफिलिंग आई वु फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट द्रांसफॉर्मेशन इट्स वेरी इंटेंस ले you see a lot more of what a woman deals with um, her journey and her relationship how it changes after something so big happens in your life from that to uh, you know how courageous she becomes uh, the rare combination of innocence and courage is something that people will see and everyone will be able to relate to Well, I'm, I'm sure ऐसा ही होगा and congratulations on this. अभी से बोल दे रहा हूँ मैं आपको. And now to invite on stage, ladies and gentlemen, someone who's got the looks, he's got the physique, and इनको country का सबसे बड़ा action superstar बोला जाता है. लेकिन he's not just an action superstar. He is just amazing. Like, क्या कर रहे हैं? Like ठान लिया था शुरू में ही और खुदा office one आई थी. अब यहाँ अग्नि परीक्षा audience की होने वाली है कि कैसे मतलब

Ladies and gentlemen, that's with you. Jamwal for you. Yes, A wonderful, normal. wonderful human being, of course. So, first things first, thank you everybody for being here. Kumarji, it's an honor. The second time to work with you. Farooq, amazing. Shivalika. Um, I really enjoyed watching the trailer over here. And... Um, अब तो किस्मत पे सब क्या बोलते हैं राम सर जर्नी exactly. जैसा मैंने कहा नॉट जस्ट एन एक्शन सुपरस्टार यू नो इमोशनल है पूरी जर्नी है What do you have to say on this? और खुद के लिए फिजिकली आर सुपर टफ बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज वंस आर डन फिल्मिंग उस समय क्या चलता है दिमाग में लाइक like, कहीं ना कहीं लाइक ब्रेक यू थोड़ा सा इमोशनली मेंटली

This is very fascinating. Khudaaf is the way it's been going, the way we've all succeeded with it. Um, just putting just an idea behind it, I feel very fortunate. Thank you so much and congratulations on this to the entire team. What we'll do is, before we take the questions, media rockstars se, we'll have a quick photo op with this team, right? Hello, everyone. This is Ashish from First <laughs> India, <laughs> India <laughs> Film. Here, here. Hi. <laughs> <coughs> hey <Bhai>? Hi. <laughs> फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेमोशन और एक्शन से फुलर विद्युत हीरो नए अवतार के बारे में क्या कहोगे मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले फिल्म के नहीं ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी दट दी एजेंडा बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है सोचा नहीं था व्हेन आई केम टू बॉम्बे दैट आई विल बी अ लीडिंग मैन इट बट लाइक रियली फिर सोचा नहीं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या क्या पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार सो आई कांट से एनीथिंग मोर देन दिस एंड फारूक भाई कांग्रेचुलेशंस और शुक्रिया पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है भाई को मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे और इमोशन की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज में जिस अंदाज में इनको पेश किया है वो बहुत कमाल है आ, ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है जो हिट डुओ होता है वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं दोनों से पूछना चाहूंगा इसके बारे में आप क्या कहते हो इस बॉन्ड के बारे में नहीं शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं आ, हाँ बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है तो वही हमारी जुगलबंदी रही है जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है तो वो सारे इमोशंस इनमें थे और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था तो हाँ बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के ही ऑलमोस्ट फेंटेड ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो दस सेकेंड के लिए फ़ेंट हो गए थे क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था उसमें इमोशन वो था तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से लिखे हुए अल्फाजों से वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़ और जहाँ तक विद्युत और मेरे जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे बट uh, हाँ ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं वी आर प्योरली आर्टिस्ट हम बिल्कुल एज एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में इस सीन में इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की आई होप आंसर योर क्वेश्चन भाई आपने नहीं बोला ठीक है पूरा शिजरा दे दिया आपको विद्युत भाई वेरी वेल बट जब मैं बॉम्बे आया था तो होता यह था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है या इस डायरेक्टर के साथ करना है इसके साथ करना है तो उसके साथ करना है तो आप सब चीजें सब चीजें कोशिश कर लेते हैं देन लेटर यू रियलाइज द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फाइंड योर ओन ट्राइब आपकी सोच के लोग या जिनसे आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं एक होते हैं बहुत बड़े लोग एक होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के आई थिंक दैट्स द ट्राइब यू फाइंड एंड आई फाउंड द ट्राइब इन फारूक ऑल्सो हम मेरा सवाल विद्युत से है विद्युत फ्रॉम बॉलीवुड नाउ दस साल कंप्लीट किए आपने दस साल की जर्नी हो गई आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के हुम डू यू लुक अप टू एक्शन की बात होती है करंट सीनारियों में और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल यू बी लाइक दिस दैट 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 एंड देन इज अ टाइम When people are looking up to you and you feel responsible, you create your own things. You find everything from within you. So, my ishme, I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavour. Hello, hi, hi, sir, in center. Hi, my question is from Farooq sir. I'm Shachi from Absolute India. सर वॉट आर दैलेंजेज बाईजो चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं हाँ हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे और ये ऊपर वाले का मेहर है ऊपर वाले की कर्म है कि लखनऊ के 50 दिन के स्कड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए कोई भी बीमार नहीं हुआ कोई हॉस्पिटल नहीं गया तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को तो कहीं मुझे विद्युत को हम सब को हमने बातें की हैं इस बारे में शिवालिका का हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्यूनली ऊपर वाले का कर्म है कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए चैलेंजेस बहुत थे लोकेशन सारी लाइव लोकेशनज हैं इस फिल्म में कोई सेट्स नहीं हैं ऐसा कुछ बनावटी नहीं है सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है लाइव लोकेशंस में किया गया है एक्शन हो या सारे सीन्स हो जो कुछ भी हो तो वो इस इस फिल्म को आ, एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है विदाउट एनी गिमिक्री टू इट दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए भी रहता है क्योंकि दोनों शिवालिका के लिए भी जो रोल है इस फिल्म में वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट वैसा नहीं है ना ही विद्युत का है कैरेक्टर इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग

या yeah, या yes. yeah, yeah. आप से एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है अपनी एक स्टाइल होती है तो खुदा ऑफिस टू के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगे फिल्म को जो अपनी बीवी और, जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो जरूर पसंद करेंगे ये <laughs> मैं वादा कर रहा हूँ ये मत सच्ची बात है लाइक इफ यू फील फॉर योर चाइल्ड योर वाइफ यू विल वॉच इट सिंपल फॉर योर ब्रदर योर सिस्टर इट्स और ट्रू स्टोरी वॉज द फर्स्ट पार्ट सबसे अमेजिंग बात यह है कि uh, हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट प्लान करते हैं अभी हिट है ये <laughs> 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 कुमार जी ऐसे ही हैं सो <laughs> so, मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं सो ही सेट नहीं नहीं विद्युत नहीं कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ <laughs> थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फोन आया रात का समय थोड़े दिन विद्युत आई हैव आईडिया इट्स बिन बॉडरिंग मी पहली जो पहला हिस्सा था वो हकीकत की शौरी थी जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म हैप्पी एंडिंग बट ही वॉज लाइक आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली बट रियली वॉट आई नो इज़ दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी मतलब बीवी तो आ गई पति ने बहुत बहादुरी का काम किया मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था एंड इट्स कॉमन शी वर्क्स इन एन ऑफिस एवरीबडी नोज दे गिव हर रिस्पेक्ट विचन शी शी रियली नीड दैट पिटी दूसरा एक सवाल है विद्युत की फिल्म की जो एक्शन है काफी इंटरेस्टिंग मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस, उस की है तो उस एक्शन सिक्वेंस के बारे में एक्शन सीन के जब आप शूट करें तो उसका कोई एक वाकयात सुनाना चाहेंगे अपनी तारीफ़ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती फारूक कुछ बोलो ना एक्शन uh, इस फिल्म का जैसा विद्युत यूजली uh, एक्चुअली लोगों को चैप्टर वन में भी और इस चैप्टर में भी चैप्टर टू अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजली uh, विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने बहुत करते हैं Uh, ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका इसका ढंग इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी uh, पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करें जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है जो बात लोगों को अच्छी लगती है और बहुत टफ रहा है इनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है कोई बॉडी डबल नहीं है कोई स्टन डबल नहीं है रियल uh, लोकेशंस में हुआ है असली बारिश में हुआ है ज़मीन पे हुआ है मतलब देर इज़ नो ये जैसे एक्शन को यूजली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्ड है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है एक और एक और अच्छी बात ये है इनकी क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई तो ये अगेन अच्छी बात है जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए आ, एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है कभी शोल्डर खराब हो जाता है कभी पैर एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट विद अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड वेरी प्रोफेशनली एंड वेरी स्पेसिफिकली सो इन दैट आल्सो इट्स इट्स ऑल अबाउट विद्युत एंड मी कमिंग टूगैदर पुटिंग ऑल आर आइडियाज़ इन एंड जस्ट टू लेट यू नो इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है Uh, एक सीक्वेंस के लिए इजिप्ट uh, के खासकर क्लाइमैक्स के लिए uh, कु, मैं फ्री था ना कुमार जी कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था हमारे बेसिकली डीओपी थे थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था वो हांगकांग में क्वारंटाइन में उसे रोक लिया हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं एक्शन कोरियोग्राफर नहीं हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था तो बहुत चैलेंजिंग था yeah. तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है आ, खुद शूट करते हैं खुद कोरियोग्राफ करते हैं अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी अब तो करना ही है तो ठीक से करके आते हैं वही आपने देखा है होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए विद्युत विद्युत हाँ सर यहाँ पे सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सर सर uh, मेरा सवाल यह है कि हम आपको कंटिन्यूसली एक्शन फिल्म में ही देखते आए हुए हैं तो मतलब फ्यूचर uh, में क्या कभी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्में देखते आएंगे आपको कि क्या है क्यों, क्योंकि हमने मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आप एक्शन फिल्म में आपको देखना पसंद नहीं है और आप एक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो क्या है बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई आपके लिए पहले भाग में भी यही था कि एक कॉमन मैन की स्टोरी है फिर मैंने फारूक से पूछा है कॉमन मैन कौन होता है सब तो कॉमन ही है सो ही मैं इन इज लाइफ बट मजबूरन लड़ना पड़ा हम जब सेट पे थे बिकॉज आई एम अ ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा सो so मुझे सीखना पड़ा जब कुछ गिरता है ना

The people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, uh, I'm Hemant Sangani, Namkam Media. This question is for Shivalika. Shivalika in this film, particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now Vidyut is an out-and-out out action person. Now he is acting in a family way, also. So those, those moments. I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So, how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still. But you managed it somehow, getting in the family way. So, this answer has to come from both of you. And then, Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. So when something like this happens, I think it's a very um, natural emotion that anybody would feel. Um, it's something that I have not really, I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, uh, what I could research. I have sat with Farooq sir, and I have actually gone through each and every scene. Um, on what this character would do. Uh, honestly, Nargis is again somebody who uh, does not show a lot of emotion, but in this film you'll see a lot more. So, the way you mentioned that uh, when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this, so they will be able to relate to this.

तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीजें तो टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है क्योंकि ये ऐसा ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए ताकि ऑडियंस को पसंद आए विद्युत के लिए भी सेम चीज एक्चुअली so, that I was so much into character. Uh, when we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब जब set पे scene में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं करते। सुनती नहीं थी मैं बात कर रहा था। सर फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था पहले से आदत है कोई दोस्त दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक फॉर मी टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर टू फाइट फॉर समी या लव वाज नॉट रियली सो डिफ़िकल्ट थोड़ा थोड़ा इट्स अ बिट आर्ड वज बिकॉज यू हैव टू गेट इन इट फिर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन गम में uh, रहना का आपको यू हैव टू ट्रेन योर वो मुश्किल पार्ट है बट टू फाइट फॉर समबडी इट कम्स नेचुरी टू मी समी या लव यहाँ पर तो बीवी और बच्चे का सवाल था We'll take two more Hi questions, guys. right? दिखे दिखे center, uh, guys, we love the trailer. My question is to Faruk, sir. Of course, Part one mein laghe, But it's just a uh, general uh, instinct. पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter two? नहीं सुनिए नहीं अच्छा नहीं लग रहा है नहीं बहुत लग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना वन हाँ भी पसंद आया ना जी। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं अच्छा है यकीन रखना उसको हाँ। <laughs> आ, मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज्यादा देखता हूँ शायद मैं क्योंकि पर्सनली जानता हूँ नो हु इज एज अ पर्सन तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं

Uh, बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए खुदाफिज़ चैप्टर टू अग्नि परीक्षा uh, के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और uh, जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में uh, हमारे साथ क्रू में uh, मेरे बहुत ही चहेते बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया oh! और मिथुन के साथ साथ जान बन गए कि जान वो आवाज़ विशाल मिश्रा की वो भी साथ में बैठे हुए हैं तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद कबीर सिंह के म्यूज़िक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा फ़िस चैप्टर टू अग्नि परीक्षा के लिए और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूज़िक मिथुन ने ऑफ़ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोग को एक सरप्राइज झलक देंगे विशाल ने भी दो गाने बनाए हैं एक और गाना है शब्बीर अहमद जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक यू गोइंग टू फॉल इन लव विद इट क्वेश्चन एंड आगे Uh, take for you to come out of the emotional ऑफ Do you take the character home or do you switch on and switch off easily? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ मैं घर जाता हूँ अपनी बेटी को ढूँढता हूँ मेरी बेटी कहाँ है में एक प्रोसेस है ये मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं समझ सब आती थी when it comes to implement it it's very different it's very individualistic Uh, जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मजे आते हैं वी नवर यू टू स्पीक टू इच अर ऑन द सेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट दट शी इज इन कैरेक्टर आई एम इन कैरेक्टर बट द मोमेंट इट गॉट ओवर वी वाइक हैलो क्या प्लान है कल का कुछ नहीं शूटिंग है सो so, मैम थोड़ा अलग है मेरा प्रोसेस वेन एम देर एम देर ऑन सेट्रा आपसे पूछना था आपने कहा था कि मतलब खुदा खुदाफी चैप्टर थ्री आ रहा है तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे <laughs> 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 बिल्कुल थ्री आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा, 100 आएगा. उसकी जो झलक है आपको ये पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी यस यू हैव टू वॉच द फिल्म फॉर दैट तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर थ्री क्या होगा <laughs> अच्छा मुझे बोला गया था कुछ कोरोना के लिए भी बोलना है सेफ्टी के लिए uh. कौन बोलेगा अभी बोलोगे <laughs> नहीं मुझसे तो अलग बात है ना सर मैं ये बोलना चाहता हूं क्या सर लाइक प्लीज फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स रियली आई मीन इट आई नो पीपल हु गटिंग अनवेल ये बताया गया है बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ मेरे कई दोस्त हैं, उनको थोड़ी सी खांसी हो जाती है उनको लगता है कोरोना है उस वह में मत पड़ना प्लीज थोड़ी बारिशें भी आने वाली है हो सकता है कॉफ हो जाए यार बट बी केयरफुल जी आशीष जी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है चीजों की और अपने पहले भी प्लान नहीं किया लेकिन डेफिनेटली जब पार्ट थ्री बनेगी वो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेज में होगी बंदे फाइव थ्री में फंसे हुए सवाल ये था आपका क्या बात कर रहे हो <laughs> मैं काम करके भूल जाता हूँ इसे सेम <laughs> आई कान सी द डिफरेंस मैं एक फ़ौजी का बच्चा हूँ जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी तो चेन्नई रेजिमेंट थी वहाँ पे. मेरे लिए सेम है हिंदी फिल्म एवरी थिंग सेम आई can't, आई कॉन्ट डिफरेंशिएट थैंक यू सो मच एंड जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है सर मैं बता दूँ आप लोगों को क्रेडिट जाता है जो सिक्योरिटी टीम है ना हमारी यहाँ पर यह आज पठानी में है और सर एकदम ऐसा ऐसे सब एज ऐसे स्लो में चल रहे हैं सर एवरीबडी इज़ लाइक अंदर नहीं जानेगा सो so, वो मतलब ये इंपैक्ट है अभी आप ये कर रहे हो आगे पता नहीं क्या करोगे जब खुदाफिस थ्री आएगी सर मैंने इनिशिएट करवाया है। एंड एंड नाउ लेडीज सर योर काइंड परमिशन आपने म्यूजिक की बात करी एंड हैव मिथुन सर ये सो आई वु टू इनवाइट आर ट्रेजर द सुप्रीमली टैलेंटेड गिफ्टेड ब्लेस्ड हाईली स्पिरिचुअल और हमारी म्यूजिकल जर्नी चैप्टर वन से चल रही है और इस बार भी बहुत ही खूबसूरत रही है वो जर्नी एक गाने की झलक आज आप लोगों को सुनाने वाले हैं Uh, जिस गाने का नाम है छैया में uh, जो मिथुन ने लिखा है कंपोज किया है अपनी रूह से तो दो शब्द प्लीज़ मिथुन कहें और आपकी इजाज़त से फिर वो गाना शेयर किया जाए uh, प्लीज़ कुछ बताइए आपकी जर्नी क्या रही है खुदा हाफिज में व्हाट एव यू फेल्ट हाउ इज़ इट बिन फॉर यू फ्रॉम जान बन गए टू नाउ आई थिंक मैं uh, सभी लोगों को नमस्कार यही बोलना चाहूँगा कि uh, खुदा एक सोच है Uh, जैसे फ़ारूक ने uh, कबीर सिंह का ज़िक्र किया uh, फ्रेंचाइज़ वर्ड भी आई थिंक राम ने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया आई थिंक फ्रेंचाइज़ वर्ड क्रिएटिव लोगों के लिए वो एक सोच है एक एनर्जी है जैसे आशिकडू का म्यूजिक जब किया था मैंने तो उसके पीछे भी एक सोच थी कबीर सिंह में मेरे साथ विशाल भी थे और uh, उसके पीछे भी एक सोच थी एक, एक दुनिया बनाते हम लोग और मुझे लगता खुदा हाफिज अपने आप में एक दुनिया है Uh, फारूक साहब की अपनी एक सोच है uh, हम जब स्टूडियो में देखिए आजकल लोग बात करते हैं कि संगीत में जो है सच्चाई नहीं मिलती या उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ख़त्म हो रहा है मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि हम जब स्टूडियो में मिलते हैं मैं और फारूक तो हम सिर्फ संगीत की बात करते हैं हम ना किसी अक्षरों की बात करें ना अंकों की बात करते हैं ना, ना नंबर्स की बात करते हैं ना व्यूज़ की बात करते हैं हमने कभी की नहीं हमने सिर्फ म्यूज़िक की बात की और यही कोशिश होती है कि सच्चे दिल से जो अच्छे मेलोडीज़ हो अच्छी पोइट्री हो वो लोगों तक लेकर जाए और आ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमार जी का भी जी का जो हमको करने का पूरी खुली छूट देते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा हाफिज अपने आप में एक एक, एक ज़मीन है और आ, जैसे जान बन गए का जिक्र भी हुआ जब वो गाना रिलीज़ हुआ उस वक्त भी बहुत सारे आ, क्या कहते हैं थियोरीज़ मिल रहे थे कि अभी नहीं होना चाहिए रिलीज़ ओ पे फिल्म होगी कैसे करेंगे बहुत सारे चैलेंजेस थे लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा संगीत जो होता है वो अपना रास्ता बना ही लेता है और इसलिए अभी हम मैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फारूक़ के साथ और विद्युत के साथ भी मेरा मुझे लगता है एक मेरा एक ज़ाती कनेक्शन है हम कहीं ना कहीं एक एक, 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 एक थियोरी शेयर करते हैं एक बिलीफ सिस्टम शेयर करते हैं और मुझे लगता है वही सच्चाई जो है म्यूज़िक में बाहर निकल के आएगी सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट जस्ट टू लेट यूल नो वि हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं मिथुन के अच्छा तू कब जा रहा है मिथुन के मैं भी चल रहा हूँ जब जा रहा है मुझे बता देना है सब कुछ सीख लूंगा मैं, <laughs> मैं विशाल के लिरिक्स के बारे में क्या बताऊँ हिंदी सो so, uh, एक झलक जस्ट फॉर द ऑडियंसिस नॉट फॉर नॉट फ्रॉम अ पी आर मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू बट जस्ट एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल लाइक म्यूजिक वी जस्ट वॉन्ट टू टू हियर अ झलक ऑफ ऑफ छइया मे इफ वी कैन प्ले दैट प्लीज